अस्सलामु अलैकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? ग्रेट थ्री, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमने अपने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 में अपना यूनिट नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था, जो कि था हमारा प्लांट्स एंड एनिमल्स पे। उसमें हम लोगों ने देखा प्लांट्स और एनिमल्स में क्या डिफरेंस होता है और प्लांट्स और एनिमल्स की क्या क्या नीड्स होती हैं। अब जो यूनिट नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ बॉडी एंड ग्रोथ। ये आपका ह्यूमन बींग्स के बारे में चैप्टर है, मतलब इंसानों के बारे में, कि हमारी जो बॉडी है वो किस तरह से ग्रो करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग जब पैदा होते हैं तो एक छोटा सा बेबी होते हैं हम लोग। नीचे जैसे आपके एक पिक्चर बनी हुई है, देखें, यहाँ पर हम एक छोटा सा बेबी हैं। जब थोड़ा सा ग्रो करेंगे तो हम इस तरह से चाइल्डहुड की तरफ चले जाएंगे। फिर उसके बाद हमारी कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ आ जाती है और फिर जॉब लाइफ आ जाती है, और एट द एंड फिर हम लोग एक दिन हम लोगों ने बूढ़े होके फोत हो जाना होता है। तो ये हमारा जो पूरा साइकिल होता है, इसमें हम लोग बताते हैं कि हमारी बॉडी किस तरह से ग्रो करती है और किस तरह से इसकी डिवेलपमेंट होती है। अब ये देखें, ये छोटा सा बेबी था, यहाँ पे चल भी नहीं सकता, ये खा पी भी नहीं सकता, सिर्फ फीड कर सकता है। जब ये थोड़ा सा बड़ा होगा तो ये देखें ज़रा, इसके हाथ पांव हिलना शुरू हो जाएंगे, खुद खाना शुरू हो जाएगा। फिर जब बड़ा होगा तो इंडिपेंडेंट हो जाता है, और फिर जब जॉब में आता है तो फिर ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो इस तरह से हम अपनी जो बॉडी है उसको ग्रो कर सकते हैं और उसको डिवेलप कर सकते हैं। आगे ज़रा हम देखते हैं कि हम लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन में क्या करना है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें ज़रा, बॉडी एंड ग्रोथ बता दिया मैंने आपको। बॉडी बॉडी क्या होती है? बॉडी जो है वो एक इंसानी जिस्म होता है, जिसमें हमारे बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे नोज़, लिप्स, आईज, ईयर्स, आर्म्स, लेग्स, हर चीज़। उसमें हमारी बोन्स भी आ जाती हैं, हमारे मसल्स भी आ जाते हैं। तो इस तरह से बॉडी में हर वो चीज़ इंक्लूड होती है जो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद होती है। फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद हर एक जो बॉडी पार्ट होता है, उसकी ग्रोथ, उसका बड़ा होना, ये सब हमारे पास बॉडी एंड ग्रोथ होता है। अच्छा जी, आपका है यूनिट नंबर 4, और मैं मैम इकरा आपको जो है वो लेक्चर दूंगी। देखें ज़रा, बॉडी एंड ग्रोथ। अच्छा जी, बॉडी ग्रोथ क्या होता है? इंक्रीज़ इन द साइज़ ऑफ बॉडी। बॉडी ग्रोथ ये होता है कि हमारी जो बॉडी है उसके साइज़ में इंक्रीज़ होना। ये देखें ज़रा, ये एक छोटा सा बेबी है, ये मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी पैदा हुआ है और ये सिर्फ क्रॉल कर सकता है। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसकी टांगें जो हैं वो ज़्यादा बड़ी हो गई, उसने अपना बैलेंस जो है वो मेंटेन करना शुरू कर दिया और वो चलना शुरू हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसने ज़िद करना शुरू कर दी कि अब मैंने बाहर जाके खेलना है, मतलब उछल कूद करनी है, बॉल के साथ खेलना है, भागना है मैंने। फिर जब थोड़ा बड़ा होगा, स्कूल गोइंग बेबी हो जाएगा। स्कूल गोइंग बेबी के बाद ये जब ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब हमारे स्टेजेस होते हैं अपनी लाइफ के, पहले छोटा बेबी, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा और फिर बड़ा। इस तरह से हम बड़ा होते होते हमारी जो बॉडी है, हमारी जो बोन्स हैं, वो उनमें डिवेलपमेंट होती होती इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एट द एंड हम लोग बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं। तो बॉडी ग्रोथ क्या होती है? इंक्रीज़ इन द साइज़ ऑफ बॉडी। सिर्फ बॉडी की ही साइज़ की बॉडी का साइज़ ही बड़ा नहीं होता, बल्कि हमारी मेंटल डेवलपमेंट भी होती है। मेंटल डेवलपमेंट मतलब हमारा जो ब्रेन है उसकी ग्रोथ भी होती है। जैसे कि हम छोटा बेबी है, अगर बिल्कुल छोटा बेबी होगा तो उसको उसकी जो मेंटल ग्रोथ होगी वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, वो सिर्फ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेगा। जैसे मैंने आपको मैंने ज़िप की एग्ज़ाम्पल जो है वो देती हूँ आपको। जैसे कि एक छोटा सा बेबी है, उसके पास एक स्कूल बैग पड़ा हुआ है और उसको वो खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उससे नहीं खोल रहा। फिर जिसका वो बैग होगा वो आएगा, उस बैग को वो खोलेगा, तो वो जो बेबी है छोटा सा, वो उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा होगा। जब वो बैग बंद करके चला जाएगा तो उसकी ऑब्ज़र्वेशन के अकॉर्डिंग वो उस ज़िप को हिलाने की कोशिश करेगा, और ज़्यादा ना सही लेकिन थोड़ी बहुत उससे वो ज़िप खुलेगी ज़रूर। तो इस तरह से जो उसकी मेंटल डेवलपमेंट है, ऑब्ज़र्व करने की, चीज़ों को देखने की, उनको यूज़ करने की, ये भी हमारी ग्रोथ के साथ साथ ज़्यादा होती जाती है।
अब आपको समझ आ गया होगा बॉडी हमारी ग्रो किस तरह से करती है और क्या क्या जो हैं वो उसके स्टेप्स होते हैं बीच में। आगे देखें ज़रा, आगे हम लोगों ने ये देखना है कि हमारी जो बॉडी है वो किस तरह से ग्रो और किस तरह से चेंज हो सकती है, हमारे लिए क्या क्या सूटेबल चीज़ें होंगी, हमारी कौन सी ऐसी नीड्स हैं जिनको पूरा करने से ही हम ग्रो हो सकते हैं। अगर उन नीड में से कोई एक चीज़ भी कम हो जाए तो हम ग्रो करने के काबिल नहीं होते, ना ही हमारे अंदर कोई मेंटल डेवलपमेंट या हमारी जिस्मानी नशोनुमा हो सकती है। देखें ज़रा, इसमें हमारे पास चार चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले होती है एयर। अगर हम अपने इर्द गिर्द से हवा को ख़त्म कर देंगे, एयर को ख़त्म कर देंगे, तो यकीन जाने हम लोग कभी भी ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी जो हवा है, हमारी जो एयर है, उसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है, और जब हम सांस लेते हैं, सांस अंदर लेके जाते हैं, तो वो जो एयर में मौजूद ऑक्सीजन होती है वो हमारे अंदर जाती है। अगर हम लोग हवा को ख़त्म कर दें, एयर ख़त्म कर दें बिल्कुल, तो क्या हमें ऑक्सीजन मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हम सांस नहीं ले पाएंगे, और हम 5 मिनट भी सांस बंद करके नहीं रह सकते। तो अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सांस नहीं ले पाएंगे, तो हम ज़िंदा भी नहीं रह सकते। तो हमारी ग्रोथ और हमारी बॉडी चेंज में एयर की नीड बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ज़रा देखें वाटर, पानी। आप पानी देखें, पानी में भी ऑक्सीजन मौजूद होती है। अगर जब हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, हम भागते हैं, दौड़ते हैं, हमें पानी की ज़रूरत होती है। अगर पानी ना मिले तो हमारा सांस बंद होना शुरू हो जाता है। ये भी इसी वजह से होता है क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है, जिसको हम पानी पीने से पूरी कर लेते हैं आफ्टर रनिंग। उसके बाद देखें ज़रा, फूड है, खुराक, खाना। अगर आप लोगों को 2 दिन तक खाने के लिए कुछ ना दिया जाए तो आप इतनी देर तक भूखा रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग इतनी देर तक भूखा नहीं रह सकते क्योंकि हमारी बॉडी को विटामिंस की, कार्बोहाइड्रेट्स की, मतलब डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की उसको ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। अगर हमारी बॉडी को बेसिक नीड में एक मेरी हमारी जो बॉडी होती है उसकी ज़रूरियात होती हैं, क्या ज़रूरियात होती हैं, कि उसको न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स चाहिए होते हैं जो कि हम फूड से लेते हैं, हमें प्रोटीन चाहिए होती है जिसकी वजह से हम लोग ग्रो कर सकें, जैसे कि हम लोग मिल्क पीते हैं, तो मिल्क जो होता है वो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर हम दूध पीना छोड़ देंगे तो जब हम बड़े होंगे तो हमारी हड्डियाँ बड़ी तो हो रही होंगी लेकिन वो स्ट्रांग नहीं होंगी, वो बहुत वीक होंगी। इसी तरह से हमें फूड की ज़रूरत होती है ताकि हम लोग स्ट्रांग और हेल्दी रह सकें। शेल्टर, जो हमारी बॉडी होती है, जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनकी बॉडी को एक शेल्टर चाहिए होता है जिसकी वजह से वो महफूज रह सकें। शेल्टर होता है कोई रहने की जगह, जैसे कि हमारा हाउस हो गया। अगर हमारे पास शेल्टर नहीं होगा तो हम बाहर सड़कों पे जाकर सारी ज़िंदगी तो नहीं अपनी गुजार सकते ना। जब तक हमें शेल्टर नहीं मिलेगा तब तक हम जो है वो सेव नहीं रह सकते। अगर हमारे पास शेल्टर होगा तो हम महफूज रहेंगे, क्योंकि हम एक स्पेसिफ़िक जगह पे रह रहे हैं, अपने घरों में रह रहे हैं, तो कोई भी हमारे घर में बिला वजह नहीं आ सकता, कोई भी हमें आके मार नहीं सकता, कोई भी हमारा फ़ायदा नहीं उठा सकता, कोई भी चोरी नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह से जब हम शेल्टर में रहेंगे तो हमारा जो माइंड है, जो मेंटल डेवलपमेंट है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकेगी, क्योंकि तब हमें कोई परेशानी नहीं होगी कि हमारा अपना एक घर है, हम उसमें रह रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी कि कोई हमें मार देगा या हमें जो है वो महफूज नहीं हैं हम लोग। तो इस तरह से शेल्टर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस चीज़ में। तो ये हमारी 4 बेसिक नीड्स हैं जो अगर फुलफ़िल होंगी तो हमारी बॉडी जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती है और हमारी बॉडी में अच्छा जो है वो चेंज आ सकता है। आगे देखें, पहले हम लोग अपना पिछला सारा रिवाइज़ कर लेते हैं। देखें ज़रा, आपका टॉपिक था बॉडी एंड ग्रोथ। मैंने आपको बताया कि बॉडी क्या होती है आपकी, आपकी बॉडी में आपकी बोन्स, आपके सारे बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं, मसल्स आपके, और ग्रोथ क्या होता है, इन्हीं बॉडी पार्ट्स का बढ़ना,
जब ये बॉडी पार्ट्स आहिस्ता आहिस्ता बड़े होंगे तभी हम लोग भी बड़े होंगे। जैसे एक बेबी है, बेबी थोड़ा सा बड़ा होता है, क्रॉल करता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, और एट द एंड वो थोड़ा बुढ़ापे की तरफ चला जाता है। फिर हम लोगों ने देखा कि हमारी जो ग्रोथ है उसमें कौन कौन सी नीड्स ज़रूरी होती हैं, जिसमें हमने देखा एयर, वाटर, फूड और शेल्टर, चार चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट थी। अब आपका टास्क क्या है? आपका टास्क ये है कि आपने कोई भी अपना एक ड्राइंग पेज लेना है, या फिर कोई भी असाइनमेंट पेज लेना है, या आप अपनी नोटबुक ले सकते हैं और उसके ऊपर आपने ड्रॉ करना है वो पिक्चर जब आप बेबी थे, जब आप छोटे से बच्चे थे, छोटे बेबी थे, बिल्कुल छोटे छोटे बेबी, तो तब की आपकी जो पिक्चर है वो आपने ड्रॉ करनी है। ये आपका टास्क है ताकि आपको पता चले कि जब आप चाइल्डहुड में थे, आप ड्रॉ कर सकते हैं या आप उसको देख भी सकते हैं, जब आप चाइल्डहुड में थे तो आप कैसे लगते थे और अब आप किस तरह से हो गए हैं। आपने ये चीज़ कंपेयर करनी है कि आप में आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो किस किस तरह से ग्रो किए हैं और आपकी बॉडी में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। कल हम इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।